हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब माय चैनल हैदराबादी रेसिपी बाय फरहत। आज मैं मटन करी बना रही बकरी के गोश्त। देखिए, 1/4 किलो बकरी का गोश्त, दही, मटन करी कैसा बना रही। ये खाली लहसुन, नमक, मटन मसाला, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया, लौंग, इलायची, काली इलायची, खाली अदरक का पेस्ट, जीरा, ये लाल मिर्ची, इसको पूरा हमको क्या करना बोले तो इसको पेस्ट बना लेना पूरा दही डाल लेके। जब तक फ्राई, मटन फ्राई होते रहते, मैं जब तक ये मटन क्या है, तेल, ये प्याली से एक प्याली तेल डाल दी, गरम हो रहा। अब मैं इसको क्या करती, जब तक मसाला पीसे तक मटन फ्राई होता रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग कैसे हैं, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं परसों चिकन का करी कैसा बनाई उसके कमेंट्स लिखे, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं वो देख के सिक्के में बना रही बोल के बोले, शुक्रिया बहुत बहुत। जितने लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह आप लोगों को सेहत, कमाई में बरकत दे, सेहत दे, माँ बाप का साया रखे। अल्लाह हमेशा आप लोगों के घरों में खैर व बरकत, भाई बहनों में प्यार मोहब्बत अदा फरमा दे, बड़े लोगों की दुआ में शामिल रहे। और एक क्या है बोला तो, मैं थोड़ा सा वाइट राइस बनाई। मैं इससे पहले वाइट राइस डिश बताई थी आप लोग को, घी डाल के दम देते इसको, गरम मसाला, साथ जीरा, मैं निकालते खुद बताती दम हो गया। इसके साथ बासमती चावल ठीक नहीं रहता मटन करी में, मैं इसलिए क्या करी, सोना मसूरी चावल का बनाई। ये अब मटन फ्राई हो रहा, देखो मैं जब तक मसाला फ्राई कर लेती। चलो देखिए, गोश्त को गर्म सा अच्छा सा, मैं पानी पूरा गिर गया, अच्छा सा उसको फ्राई कर ली। क्या डाली, गुजर का पत्ता डाल के बताती, थोड़ा सा नींबू डाली, बताती, चकला, काली इलायची, चार दो इलायची, दो लौंग डाल के, और छोटा सा फूल स्टार फूल का छोटा सा टुकड़ा डाल के उसको अच्छा सा फ्राई कर लेती। मैं क्या करी, फिर आपको मसाला बताई थी, पूरा मसाला ग्रेट कर, पूरा उसको ग्राइंडर कर लीजिए, जैसे थोड़ा सा अच्छा सा पेस्ट बना ली, ग्रेवी बना रही है राइस के साथ। अब आप, मैं हमेशा हर एक टाइम अलग अलग थोड़ा सा वेरायटी करके बना के बताती आपको मटन करी कैसा बनाऊँ। ये करी थे दही दस्ती में, मैं प्याली में बताई थी आपको, पता के इसके अंदर बन ले के अच्छा सा उसको मसके, इसका शक्कर निकाल दीजिए, दही निकाल लेके इसके अंदर डाल के ग्राइंडर कर लीजिए। मैं पूरा इसमें पेस्ट मिला देती, बहुत अच्छा होता है टेस्ट सालन। जीरा डाली, मैं लाल मिर्चियाँ डाली, मैं लाल मिर्च पीसों से नहीं डाली, आपको पता ही मैं पूरा क्या क्या डाली। मैं पूरा ये खासे वही वीडियो ले रही हूँ, उसको मैं पूरा अच्छा सा मिला देती। और कब की जा रही शेके, मैं एक आप लोग को सबको बोलना चाह रही हूँ, मेरे बहन का लड़का का इंतकाल हो गया, 27 साल का लड़का था, और लंदन गए थे शादी से 3 महीने के बाद। लंदन को बड़े भाई रहते, छोटे भाई को भी गए थे, वहाँ गए एक 5-6 महीने, ऐसे थोड़ा पेट में दर्द बोले, तकलीफ हो रही बोले, तो परेशान हो गए, तो फिर इंडिया लेके आए। इंडिया लेके आते रोटी सीरी, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया मटन करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा बहुत अच्छा होता है टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अचार के टाइप में आता, 2 नींबू डाली, मैं नींबू डाले से नहीं बताई थी, आप लोग नींबू डाल लीजिए, मत डाल लीजिए, मैं 2 नींबू डाली, वो टेस्ट होता सालन, और मैं ज्यादा मसाले नहीं लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इसको रख देंगे, बिस्मिल्लाह। अब इसका खाना,
बहुत अच्छा रहता। इसको बम्बे मजा का खाना बोलते, इसका घी का डोर रहता, थोड़ा ऑयल का डोर रहता। देखिए खाना बन गया, बम्बई भाजा खाना, घी का डोर रहता, इसमें गरम मसाला और इलायची, पुदीना, कोथमीर। ये खाना जब अपन चावल चढ़ा देते उसके ऊपर अपन ये सब मटेरियल डाल दे के इसको निथार के घी और तेल का डोर रसल दे के दम दे देना। ये बोलते सो मटन करी, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दही इसके साथ, मैं मसाला कुछ नहीं लगे, जितना बताए उसी सेम उसी बनाई आप लोग, बहुत अच्छा रहता। अच्छा एक 5-6 दिन रहता है मटन करी। मैं लाल मिर्ची पीस के डाल के बना के बताई पूरा ये। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ की गुजारिश, मैं ज़रा सा ये हटा देती हूँ। सब्सक्राइबर करिए, शेयर करिए, प्यालो करिए। थोड़ी सी मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह मेरे बहन के बच्चे के बारे में। मैं रिज़क हटा देती हूँ, उसके बाद दुआ कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आला मुहम्मदिन व बारकत अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। اللهم اغفر له رحمتي وعاف فيه وعفه عنه وكريم نزله والسفيا مدحالة وقيسيها بماء وقلاب وحمد وقامه كاهي من كتب كما كاهي تلقى باب الأيهاز من تيسي وعبد الله عبد الله جمعہ ہے یہ مرحوم کے مغفرت کے لیے دعا کری اس کا ترجمہ ہے وادھن ہل جنتا وآئز ہو من عذاب القبر او من عذاب النار جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے اللہ اس کو بخش دے آمین اور اس پر رحم فرما آمین اور اسے عافیت عطا فرما آمین اور اسے معاف فرما آمین اور اس کی بہترین مہمانی فرما آمین اور اس کی قبر کو کشادہ فرما آمین اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے آمین اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے آمین جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے آمین اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما آمین اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما آمین اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما آمین اور اسے جنت میں داخل فرما آمین اور قبر کے عذاب سے بچا آمین اور آگ کے آمین میں مغفرت کے لیے میں مرحوم کے لیے دعا کری ہوں گا اس کے معنی ہیں اللہ آپ لوگ سب لوگ نماز میں ضرور سے ضرور دعا کیجئے مرحوم کے لیے میرے بہن کا لڑکا ہے انتقال ہو گئے سو آج کو دیکھو جمعے کے دن زیارت ہوئی ضرور سے ضرور آپ لوگ جتنے مسلمان بھائیوں بہنوں پیارے بچے جتنے بھی ہیں دعا کیجئے اللہ اس کو جنت میں ایک باغ بنا دے اللہ اس کی مغفرت لیے اللہ اس کی دعا کو جتنے لوگ دعا کر رہے اللہ سب جنے دعا قبول فرما دے اللہ اس کو قبر عذاب سے بچا دے اللہ یہ دعا کری ہے میری دعا قبول فرما دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا اللہ محمد یا رسول اللہ اللہ حافظ